देश में कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सरकार की तमाम कोशिश इस पर लगाम लगाने में असफल नजर आ रही है राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है वहीं शहरों में सबसे ज्यादा खराब हालात मुंबई की है बढ़ते कोरोना केसों की संख्या को देखते हुए मुंबई में धारा एक लागू करने का फैसला लिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में अब एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती ऐसा नहीं है कि मुंबई में धारा एक सौ अभी से लागू हो रही है मुंबई में धारा एक को इकतीस अगस्त से लागू किया गया था अब उसी आदेश को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस आदेश के आने के बाद इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है अपने ट्वीट में आदित्य ने लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं मुंबई में धारा एक पहले से यानी इकतीस अगस्त से लागू है जानकारी के मुताबिक डीसीबी ऑपरेशंस ने एक सीआरपीसी के तहत एक आदेश जारी किया था जो 30 सितंबर तक मुंबई सिटी में लागू होगा इसे इकतीस अगस्त को स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त दिशा निर्देश जो लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने और प्रतिबंध को कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया था इसके अनुसार ही जारी किया गया है मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया या ताजा प्रतिबंध नहीं लगाया गया आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें